हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक्ने हो जाता है, पिंपल्स हो जाता है या फिर फेस पर ब्लेमिशेस होते हैं तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए या फिर कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। तो कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा मेरे फेस में पिम्पल्स आ रहे हैं, कुछ कुछ रेड रेड मार्क्स भी आ रहे हैं एंड अभी अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से थोड़ा बहुत रिड्यूस भी हुआ है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस वॉश एंड ये मेरा तीन नंबर ट्यूब है। अगर मुझे बहुत पहले से कोई फॉलो कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने बहुत बार इसके बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसमें टी थ्री एसेंशियल ऑयल है, नीम लीव्स है एंड ये इसमें नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो कलर, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें ये आपके फेस में जो रेडनेस हो जाता है, इचिंग होता है ना, वो सबको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है, एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैवेंडर एंड रोज़ वाओ स्किन साइंस का टोनर, स्किन मिस्ट टोनर है। ये क्या करता है, आपके स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है ना तो उसको बैलेंस करता है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपके पोर्स जो होते हैं ओपन पोर्स को टाइटन करता है, हाइड्रेट करता है एंड आपके स्किन में जो ब्लेमिशेस होते हैं ना उसको लाइट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एज ए मॉइस्चराइज़र के लिए सीरम यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का ब्लेमिश केयर सीरम। ये एंटी एक्ने, प्रो मिनिमाइजिंग, स्मॉट रिडक्शन ये ट्रीटमेंट करता है। इन सब का आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा तो जिससे कि आपको प्रोडक्ट्स की वाओ की ऑथेंटिसिटी पता चलेगी। मोबाइल ऐप से, वाओ मोबाइल ऐप से भी आप लोग ये सारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक एंड डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोवाइड कर दिया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। ये जो सीरम है ना ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्नी, पिंपल्स, ब्लेमिशेस ज़्यादातर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ही होती है, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है एंड ये देखो स्किन में आपको ऑयल फ्री इंस्टेंटली पता चलेगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम है 5:30 ऐसा कुछ होगा शायद, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। छत पे आके बैठे हैं, पूरा देखें कि हमारे से हमने छत को पूरा घर बना लिया। वो जो टीन लगा था ना उसमें कुछ लोगों ने मुझे बोला कि थोड़ा लंबा लंबा लगा देते आप लोग या फिर थोड़ा फ्रंट को कर लेते और थोड़ा बड़ा साइज का लगा लेते, पर हम खुद थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारा नहीं है ना ये, हम अपने से कैसे कर सकते हैं। उनको जितना लगा उन्होंने करवाया। तो यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े जो कि होने वाला है साफ एंड वो देखो उसको अभी उतना जगह पूरा खाली हो गया। ये पूरा किसने किया, इन्होंने किया ये पूरा साफ। वहाँ पे वॉशिंग मशीन था उसको पूरा उधर का कॉर्नर करा एंड वो पूरा सामान अभी खाली हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना पानी गिर रहा था तो हम लोग नहीं रख रहे थे तो स्पेस बहुत कम हो रहा था। अभी काफ़ी अच्छा हो गया, स्पेस खाली 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 सा हो गया। एंड इसको देखो, प्लेन देखना है, प्लेन देखना है, मेरे घर से प्लेन देखना है, वो प्लेन ये देखो चला गया। ओ, चला गया माहिका, क्या करेंगे अभी, चला गया एरोप्लेन। इधर इस तरफ है अनदर वन विल कम, ओके अनदर वन विल कम। इस तरफ है हमारे घर के वो एयरपोर्ट, अच्छा नहीं रे गोटे का एयरपोर्ट अच्छी नहीं की हाँ क्या। आज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले पोस्ट किया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला, मोना तुम ना, किसने बोला शुगर टेस्ट करवा लो, थायराइड टेस्ट करवा लो। थायराइड तो है मुझे, मैं करवाऊंगी टेस्ट, मैंने नहीं करवाया, मेरा लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा था ना, अभी नहीं करवाया है, मुझे करवाना है। एंड आई डोंट थिंक शुगर होगा यार मुझको इतना ज़्यादा, मैं शुगर इतना मैं खाती पीती भी, शुगर खाने से ज़्यादा होता है क्या मुझे नहीं पता, शुगर मैं उतना लेती भी नहीं हूँ, शुगर नहीं होगा, मे बी थायराइड बढ़ गया होगा या फिर क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं लगती। बहुत लोगों ने बोला, मैं डर गई पड़ गई कि मोना तुम शुगर टेस्ट करवा लो, शुगर टेस्ट करवा लो, बहुत ज़्यादा कमेंट आए उस पर कि किसी ने मुझे एक और चीज़ बोला कि हार्मोन टेस्ट करवा लो, तो आई थिंक हार्मोन का भी टेस्ट होता है, मैंने करवाया था स्टार्टिंग में, अभी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में करवाया था। तो लेट्स सी कब, यार अभी जा भी नहीं सकते चेन्नई में कोई सा भी, जो कॉन्टेक्ट को ये ना जो घर पे भी आके टेस्ट करवाते हैं ना रिपोर्ट वाले, वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, कितना उन्होंने सजेस्ट किया था तो हमने कराया, तो फिर हमें ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। एंड मैं थोड़ा डर रही थी यार हॉस्पिटल जाने का, नहीं तो और कुछ भी नहीं है क्या पता एसीसी के लिए, बट जाना पड़ेगा अभी, मैं सोच रही हूँ जाऊँ दिखाऊँ, क्योंकि नहीं हो रहा यार, मुझे खुद भी अजीब सा लग रहा है। कॉन्टेक्ट पिंपड़ी,
इवनिंग टाइम है एंड डिनर बनाने से पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुकीज़। मैंने एक बार पहले आपके साथ दिखाए थे कुकीज़ बनाना, उसके बाद मैंने घर पे वही सेम बनाया था, जो अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिएगा, चोको चिप्स वाला। लेकिन आज जीरा बिस्किट बनाऊँगी कुकीज़, थोड़ा सा सॉल्टी जैसे जीरा उस टाइप का होता है ना वैसे बनाऊँगी, मीठा नहीं ऐड करूँगी। तो 100 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बटर ले लिया, बटर आपको रूम टेम्परेचर पर लेना है तो वो ले लिया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, मतलब इसमें आता है 250 ml के करीब आता है मेरे इस कप में, आटा लिया है। आप चाहे तो मैदे में भी बना सकते हो, तो मैं ml ये सब इस बार परफेक्टली इसी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं आप आधा आधा रेसिपी क्यों शेयर करती हो। मैं बताती हूँ, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि मैं आधी रेसिपी शेयर करती हूँ ऐसा कुछ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ भी आप लोगों को ऑकवर्ड लगता है ब्लॉग में, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलता। तो उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेनर में ना आपको अच्छे से छान लेना है। एंड यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब, आधा कप मतलब कितना, जो एक आता है इसी मेरे मेजरमेंट में हाफ कप जैसा है, तो उस कप में मैंने लिया था शुगर पाउडर, शुगर लिया था। तो ज़्यादा मीठा नहीं होगा, थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा मीठा उस तरीके का लगेगा आपको। एंड अगर आपको पूरा कंप्लीट मीठे का ही बनाना है तो 1 कप पूरा आप लोग यहाँ पे शुगर पाउडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, एंड नमक जस्ट अ पिंच मैंने ऐड किया है, जितना आपको चाहिए सॉल्ट उस हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है जीरा, तो सॉल्ट मैंने पिंच ऐड किया। आपको लग रहा होगा कि एक पिंच में आपको कितना सॉल्ट लग जाएगा, नहीं देखो बटर भी मेरा सॉल्टेड वाला है, तो इसी के लिए मैंने थोड़ा सा कम यूज़ किया। अगर आपका प्लेन बटर यूज़ होता है जिसमें सॉल्ट नहीं होता है, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर सकते हो। दूध आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 चम्मच भी काफ़ी हो जाएगा या फिर 4 चम्मच हो जाएगा। बस आपको एक डो बनाना है जैसे एकदम से स्टिक होगा, टाइट सा डो नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा ऐसे जैसे क्रैम्बल होता है ना उस तरीके से पहले कर लेना है। उसके बाद एक लड्डू जैसे हम लोग बनाते हैं शेप देते हैं उसको, उसी तरीके से आपको इसको एक बाउल में गूंद के रख देना है। तो ज़्यादा हार्ड मत गूंद लीजिएगा या फिर ज़्यादा उसको पेस्ट करके जैसे हम लोग करते हैं वैसा मत करिएगा। ऐसा मैंने एक फॉयल पेपर लगा लिया है ताकि एक शेप में आ जाए। तो 30 मिनट्स तक मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी फ्रिज में या फिर बाहर कहीं पर भी रख लीजिए, उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो जब तक वो होता है मैंने यहाँ पे बना लिया है डिनर, तो पराठा बाद में बनेगा, भिंडी की सब्जी मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो इसके लिए इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल ही है ये। फ्रिज में रख के आधा घंटा हो गया है, तो इसको जब मैंने सेट किया तो थोड़ा सा प्रेस करके सेट किया था। माही को इतना नींद आ रहा है लेकिन यहाँ पे बैठी हुई, आ जाओ अभी साइड में। ओके तो ये कुछ इस तरीके से है, अभी इसको कट कर लेंगे हम लोग, इसी में रखे मैं अभी बना नहीं है वो जी। हाँ हाँ ना वही माइक्रोवेव को पकड़ दे। अच्छा मेरे पास है माइक्रोवेव फोल्ड करने, इससे कर सकते ना देखो। हाँ ये गरम वो किसी से आया था, क्लब फैक्ट्री है ना, क्लब फैक्ट्री का किसी से, ये जो माइक्रोवेव इससे निकाल सकते ना हम लोग, सिलिकॉन का ही तो है ये, सिलिकॉन पे। हाँ सिलिकॉन का। हाँ तो आधा घंटा हो गया, इसको आपको निकालना है। आप चाहो तो इससे और थोड़ा पतला भी कट कर सकते हो, तो मैंने ऐसे शेप में इसको कट किया है। आप चाहो तो एकदम से जैसे रोटी बनाते हैं ना उस तरीके से एक बड़ा सा रोटी की तरह बना के, उसके बाद आप लोग इसमें जो कटर आता है कुकी कटर, उससे भी आप लोग कोई सा भी शेप दे सकते हो। मेरे पास कोई भी कुकी कटर नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं लेकर आऊँ कुकीज़ कटर। तो कुछ इस तरीके का शेप बना है मेरा। तो एक ट्रे में मैंने फॉयल पर जो बटर पेपर लगा दिया है, बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है आपको। ये जो ट्रे है ना मेरा राउंड का, उसमें ना बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, स्क्वायर वाला अगर आपको लेना है तो लेना, बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन ये जो राउंड वाला है ना, अच्छे से 4 या फिर 6 आता है, एंड फिर आपको ना बड़े कंजूसी के साथ इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। एंड ये थोड़ा सा देख रहे हो टूट गया, ये टूटा इसी के लिए क्योंकि माही भी इसके साथ फोर्स लगा रही थी मेरे साथ कि मुझे करना है मुझे करना है। कभी कभी उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है बेकिंग करने में, कुकीज़ बनाने में, तो इसी के लिए मैं भी ट्राई करती रहती हूँ। तो इसको देखो कैसे जोड़ तोड़ के मैं दोबारा से कर रही हूँ यहाँ पे, हो जाता है ऐसा बच्चों के साथ में, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। तो रेडी रहना कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बनाना चाहो आप लोग वो बन के कुछ और ही निकलता है। कभी कभी टेस्ट बहुत अच्छा था, शेप मेरा इसी के लिए बिगड़ गया, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ ये सब एक्सीडेंट होते रहती है। तो फाइनली मैंने ये सारा चीज़ एडजस्ट कर लिया उसको भी, तो इसको मैं कर लूँगी अभी, मैंने प्री हीट कर लिया था, एंड इसको अभी बेक करने के लिए हम लोग रख देंगे।
किया है एंड मैं फोकस में नहीं आ रही हूँ शायद. ओके हाँ, मैंने 8 मिनट इसको प्री हीट कर लिया था, फिर मैंने कुकीज को 180 डिग्री में 15 मिनट के लिए डाला है, मतलब बेक होने के लिए. जैसे कितने देर में होता है, क्योंकि कभी कभी ना 15 मिनट में होता है, कभी कभी नहीं होता है. मेरे साथ तो एग्जैक्ट टाइम कभी फॉलो नहीं होता, इवन हर एक में अलग अलग टाइम हो जाता है. तो ये थर्ड टाइम मैं बना रही हूँ, नहीं जीरा कुकीज पहली बार बना रही हूँ. तो देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. वेट करते हैं. चलो 15 मिनट में ही हो गया, मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा. इसमें से तीन चार तो खत्म भी हो गए. मैं ना, मेरा ट्रे बहुत छोटा सा है यार, पता नहीं इसे बड़ा ट्रे उसमें जाएगा कि नहीं. या फिर स्क्वायर वाला ऐसा ट्रे तो आया था उसमें, स्क्वायर वाले ट्रे में आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा आप लोग बना सकते हो. क्योंकि देखो मैं 10 रखती हूँ कि नहीं, यहाँ पे बिस्कुट ऐसे वो फुल हो जाता है फिर. तो काफी अच्छा बनाया सच में. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है बिस्किट बनाने का, मैं तोड़ना नहीं चाहती. पर अच्छा चलो मैं दिखाती हूँ. जीरा बिस्किट बहुत पसंद है, अगर किसी को जीरा बिस्किट पसंद है तो एक बार बनाना. आप चाहे तो मैदे में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैदा नहीं बनाया. तो जीरा का बिस्किट अच्छा लगेगा, चाय के साथ बड़ा अच्छा लगेगा. एक बार बना लो ना, फिर घर पे ही बनाने का आपको मन करेगा. बच्चों के लिए ठीक है. तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड. मूवी देख रहे हैं एंड साथ ही साथ हो रही है यहाँ पे बालों की चम्पी. एंड ये मैं जो हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ यही यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है इनका. माही खेल रही है सामने. एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. कैसे लगा कमेंट में बताइएगा. मिलते एक और ब्लॉग के साथ. बाय, टेक.